अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो अव्वल और आखिर है, तमाम जहानों का रब है, रब्बिल आलमीन है, वाहदहु ला शरीक है, बेनियाज है। आज की वीडियो जो तितर लंगड़ा जाएँ यानी पकड़ते वक्त या फिर उठाते रखते वक्त या फिर कोई जंप लगे या इस तरह कोई तितर जो है ना जिस वक्त लंगड़ा के चलने लग जाए, ठीक है, तो उनका क्या इलाज करना है, तो उसके बारे में आज वीडियो बना रहे हैं। तो जो नए दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने दोस्त हैं हमारे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनसे गुजारिश है कि लाइक भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल किया करें, मैं कोशिश करता हूं कि हर दोस्त को उसमें कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये एक बाम है, मोनिका इसका नाम है, मोनिका, ठीक है, ये वीडियो में आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, मोमिका, MOMIKA, मोमिका, ये एक बाम है, ठीक है। ये हम उस तितर को लगाएंगे, ठीक है, उस तितर की टांग जो के मतलब के इफ़ेक्टेड है तो उसको हम लगाएंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह वो बेहतर महसूस करेगा। मैं आपको तितर दिखाता हूँ, मेरी ये तितरी है, तो इसको हम आज लगा कर दिखाते हैं। ये है बेचारी, एक टांग जो है ना इसकी दाई टांग वो लंगड़ा रही है दाई टांग से, ये देखें, ये देखें इसने उठाई हुई है टांग, ये देखिए एक टांग उठाई हुई है इसने। तो इस टांग पे जो है ना शायद पकड़ते हुए कोई मसला हुआ है, या फिर थैली में डाल के हम जा रहे थे लालू खेत तो वहाँ पर कोई मसला हुआ है, तो इस तरह कोई ना कोई मसला है जिससे ये लंगड़ा रही है ना। तो आज मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको टांग पे लगाना है। ये देखें एक टांग पर खड़ी है, दूसरी टांग जो है ना इसका दूसरी तरह किया हुआ है, ये देखें दूसरी टांग इसने उठाई हुई है। तो ये मैं पकड़ के आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह ये लगानी है आपने, ठीक है जी जनाब। ये हमारी मादी है, तो इसको जो है ना बेचारी को तकलीफ़ है इस टांग में, थोड़ी सी लंगड़ा रही थी तो मैंने कहा चले वीडियो भी बना दूँ। ये है आपकी जेल मोमिका, MOMIKA, मीम वाव मो, मीम ये का फलिफ का, मोमिका ये इसका नाम है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी जल है ये। तो ये आयोडेक्स अगर हो तो वो भी बेहतर है, सही है, और ये भी बेहतर है। तो हम लगाने लगे हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरह लगानी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने अच्छी तरह लगानी है टांग पर भी और इसके पंजे पर भी, सारी जगह ना, और भर भर के लगानी है आपने। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता हमें, ये बता तो सकता नहीं है बेचारा जानवर है कि इसको तकलीफ़ किस जगह पर है। परवाह नहीं करनी है आपने, मटेरियल की ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। देखिए मैं वो लगा रहा हूँ, ये टांग हो गई, ये घुटना हो गया, घुटने पे लाजमी लगाना है क्योंकि ज़्यादातर जो तितर होते हैं ना उनका ये घुटना कमज़ोर होता है, ठीक है। देख रहा हूँ दोनों जोड़ एक जैसे हैं, इस जोड़ पे थोड़ा सा फ़र्क है, चले घुटने पर लगा देते हैं। घुटने में भी अगर कोई होगा मसला तो वो इंशाल्लाह एक तो ये दर्द सेट कर देगी मोमिका, ये बाम है आयोडेक्स जैसी ही बाम है ये, लेकिन आयोडेक्स विक्स से बहुत तेज़ है ये। मैं आपको दोबारा भी इसकी जो है ना डब्बी दिखा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। इधर इधर रोशनी में हो जाता हूँ,
इसको अच्छी तरह आपने मसाज करना है, रगड़ना नहीं है, लेकिन यह है कि लगाना इसको हर जगह है, उंगलियों में भी, आगे भी, पंजे के अंदर भी लगाना है, क्योंकि ये बेचारी बिल्कुल ही इसने पंजा उठाया हुआ था, तो हमें नहीं पता है इसके किस चीज़ में मसला है, उंगलियों में मसला है, पंजे में मसला है, क्या है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये दवाई लगाएंगे, इसके लगाने से उसके बाद फिर पट्टी बांधेंगे, इसके ऊपर पट्टी भी बांधनी पड़ेगी। ठीक है, पट्टी आपने इस तरह की कोई ले लेनी है कतर, लेकिन लंबी होनी चाहिए, ये देखा है इतनी लंबी होनी चाहिए, मतलब 2-2.5 इंच चौड़ी है ये, और तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट की है ये टोटल, तो इस तरह थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे इसको इस तरह इतना कवर करेंगे, इसका पाँव और ये जोड़, ये दोनों जो है कवर हो जाए, ये जोड़ भी कवर हो और पाँव भी। मादी को थोड़ा सुकून आ रहा है इसलिए अब सुकून कर गई है, पहले बड़ा फड़क रही थी बेचारी, दर्द भी हो रहा होगा, थोड़ा कस के। जी ये इसकी टांग पे पट्टी बांध दी है, पट्टी कस के बांधनी है, मतलब पहले पट्टी बांधनी है अच्छी तरह यहाँ तक, ये इसका जोड़, ये है इसका जोड़, ठीक है, ये इसका जोड़ है, जोड़ से ऊपर तक पट्टी बांधनी है। पट्टी बांधने के बाद इस तरह जो है ना, हमने ये कतर लेकर उसके ऊपर से जो है ना ये कतर बांध देनी है, ठीक है, ये अच्छी तरह बांध गई है। अब इसको 24 घंटे हमने खोलना नहीं है, यानी कि अभी अभी हम किया है, तो कल इस टाइम जो है ना हम दोबारा इस पट्टी को खोलेंगे, सारा दिन बेशक इस तरह ये मतलब लंगड़ाती रहे या पट्टी लगी रहे कोई मसला नहीं। और इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसके साथ जो है ना ब्रूफन सिरप जो है उसका आधा ढक्कन पानी में मिला के वो इसको पिलाएंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ये सुबह तक बेहतर हो जाएगी। ओके सर, इसी दुआ से इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके तित्रों को, आपके शौक को कायम रखे, उनको सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।